सीबीएसई बोर्ड का प्लस टू का नतीजा घोषित हो गया है और जिला पठानकोट का परिणाम रहा शत प्रतिशत, जिसके चलते सीबीएसई स्कूलों ने हार्दिक प्रसन्नता जताते हुए कहा कि परिणाम शत प्रतिशत रहा। लेकिन उससे भी बढ़कर बात यह रही कि इस बार लड़कों ने लड़कियों को पछाड़ परिणाम पर अपना कब्जा रखा। ओवरऑल अगर पूरे कंट्री में सीबीएसई रिजल्ट की बात करें तो पिछले रिजल्ट के कंपैरेटिवली उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जितने बच्चे अपीयर हुए थे सभी ने बहुत अच्छा रिजल्ट और परिणाम आए हैं। 94% के साथ हमारे तीन बच्चे टॉपर रहे हैं, इसमें से कॉमर्स की वृत्ति महाजन ने 94% स्कोर किए ओवरऑल। सिमिलरली मेडिकल स्ट्रीम में से आयुषी जो कि बोर्डिंग में बची थी हमारे पास, उसके भी 94% हैं, और श्रुति जो कि हमारे 10th की भी स्कूल की टॉपर थी उसके भी दोबारा फर्स्ट पोजीशन के साथ 94% आए हैं। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए और इस बेहतरीन रिजल्ट के लिए जो हमारे स्कूल के लिए बहुत ही अच्छा रहा है। हमारे टीचर्स और बच्चे सारा साल मेहनत करते हैं और उसी मेहनत का नतीजा है कि हमारा ओवरऑल रिजल्ट है वो 97% रहा है। हमारा जो फर्स्ट टॉपर है उसने 95% मार्क्स लिए हैं, उसके बाद हमारे सेकंड टॉपर ने 91% लिए हैं। खुश हैं इस रिज़ल्ट से बहुत ज़्यादा और हम अपने खुदा का बहुत धन्यवाद करते हैं इस चीज़ के लिए। डिस्ट्रिक्ट में भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है पहले के मुकाबले। हमारे स्कूल का भी पिछले साल से रिज़ल्ट बहुत बेहतर है। बच्चों ने बहुत मेहनत की है, इसका पूरा श्रेय बच्चों की कड़ी मेहनत, उनके माता पिता और मेरे स्टाफ का है जिन्होंने हर तरह से बच्चों की मॉरली सोशली बूस्ट अप करके उनको सही गाइड किया है। और बच्चों ने सीबीएसई रिज़ल्ट में बहुत अच्छा किया है। हाईएस्ट जो एग्रीगेट में नॉन मेडिकल में 97% है, मेडिकल में 96% है, कॉमर्स में 92% है और आर्ट्स में अगम महाजन ने 97% लिए। ये बच्चे हमारे सिटी के टॉपर्स हैं और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि इन बच्चों को आगे अच्छे प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन मिले।